नमस्कार किसान भाइयों, मैं एसके विश्वकर्मा आप सभी भाइयों का अपने YouTube चैनल एसके ऑल नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे जिसके प्रयोग से आपके गेहूं के पौधों में अधिक कलों का फुटाव भी होगा और पौधे का संपूर्ण विकास होगा और आगामी समय में गेहूँ की फसल से अधिक उपज भी ले सकेंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए खेती से संबंधित सभी कार्य हमें समय समय पर करने चाहिए और खाद पोषक तत्वों को देना चाहिए। जैसे ही गेहूँ की फसल 70 से 80 दिन की हो जाए तो सबसे पहले उसकी दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, 8 से 9 दिन के बाद मिट्टी की जांच कर लें। यदि आप का पैर मिट्टी में नहीं धंस रहा हो तो उसमें 40 से 50 किलोग्राम यूरिया और 5 से 10 किलोग्राम खुशहाल हाई जिंक और एवरग्रीन सल्फर गोल्ड सल्फर तीनों का भुरकाव करवा दें। मैं खड़ा हूं अपने खेत में और मैंने तीनों तत्वों का मिश्रण करवा के इसमें भुरकाव करवाया था तो मेरे गेहूं का उत्पाद काफ़ी अच्छा हो रहा है और हरी भरी पत्तियां भी दिख रही हैं हमें। और इन तीनों का भुरकाव करवाने से हमारा पौधा स्वस्थ और हरा भरा दिखने लगा है। मैं आपको दिखाता हूं अपने पौधे का रंग रूप। ये हमारा हष्टपुष्ट पौधा बिल्कुल 60-70 दिन का हो गया है। सल्फर गोल्ड एक ऐसा सल्फर है जिसके प्रयोग करने से कुछ दिन बाद देखेंगे कि गेहूं की पूरी फसल स्वस्थ और हरी भरी हो जाएगी। सल्फर का प्रोटीन के निर्माण से महत्वपूर्ण योगदान होता है। पत्तियों में पूर्ण हरित के निर्माण में सहायता करता है। पौधों में एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली नई जानकारी लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद।